अगर इस तरीके से आपने अपने बच्चे को हरी सब्जियाँ खिला देना, तो फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा हरी सब्जी नहीं खाता। तो जो ट्रिक हमने आजमाई है आप भी फॉलो करें गाइस, क्योंकि हमारा बच्चा सब्जी वब्जी नहीं खाता था, लेकिन हमने उनको इस तरीके से सब्जी खिलाई है कि वो हर रोज़ इसी चीज़ की डिमांड करता था कि मम्मी टिफिन में वही देगा। गाइस ये हमारा ट्रिक बहुत ही अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, बाकी सब्जियाँ वही होंगी हरी भरी। इसमें कभी आपने बीन्स डाल दिया शिमला मिर्च के साथ, कभी सोया डाल दिया और कभी डाल दिया आलू में। तो आज मैंने जो डाला है ना स्वीट कॉर्न डाल दिया, बॉयल हल्का सा बॉयल किया क्योंकि मैंने फ्रिज पे रखा था, थोड़ा टाइम हो गया था, इसको थोड़ा हल्का बॉयल करके इसमें मिक्स कर दिया। और सिंपल सी जो रोटी आप टिफिन के लिए बनाती हैं, पराठे तो आप देते नहीं होंगे आजकल, तो सब रोटी ही खाते हैं, रोटी में इसको बना के दीजिए, 101% आपका बच्चा पूरे टिफिन चट करके आएगा। और सिंपल से बनाना, इतना कोई वो नहीं, सब्जी आप बनाते रोटी आप बनाते अलग अलग, तो एक ही साथ इसको दे देंगे हम, इसको इस तरीके से बनाएंगे। साथ में डालिए पनीर, चाहे तो आप इसमें टोफू डाल सकते हैं और मशरूम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है पनीर और साथ में डाल दिया है चीज़, और इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे और गरम गरम तवे में इसको सेक लेंगे। तो हल्के हाथों से इसको रोल किया और फटाक से इसको तवे में रख करके सेक लेना है। तो ये टिफिन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, अगर आपने इसको बना के दिया ना तो आपको बच्चा हर रोज यही मांगेगा। ऊपर से हल्का सा बटर करके इसको दोनों साइड से सेक लेंगे, तो थोड़ा सा क्रिस्पी सा लगेगा और स्वाद भी आएगा। तो देखिए तैयार हो गई। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका अगर रोल बनाना नहीं चाहते हैं तो आप फिर इस तरीके से उसी रोटी में हल्का सा सॉस लगाया और एक साइड डाल दिया हमने जो सब्जी हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो डाल दिया, ऊपर से डाल दिया पनीर, थोड़ा सा चीज़ और बाकी जो मैंने नमक उमक वो सब्जियों में डाली हुई थी। बस इसको क्या करना है कि हम आपने सिंपल से इस जो रोटी बनाई है ना उसमें हमने चीज़ डाली है, उसको क्या करना है उठाना है और हल्के हाथों से इसको ढक देना है और उठा करके फिर इसको गरम तवे में रख लेंगे और इसको भी बटर के साथ दोनों तरफ से सेक लेंगे, दोनों साइड से सेकने के बाद देखना ये कितना टेस्टी और कितना क्रिस्पी होगा गाइस। इसका जो बाहर का है ना ये रोटी बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा, तो बहुत ही क्रिस्पी टाको की तरह लगेगा गाइस। बस आपको दो तरीके बता दें, अब बना के खिलाइए बच्चों को, एंजॉय करिए, बाय।